नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा दिव्य परिवार सुरक्षित है, समृद्ध है, सुखी है और सकारात्मक है। इसी शुभकामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो की। जैसा कि आपको पता है, दीपावली का त्यौहार, 5 दिनों का जो दीपावली का त्यौहार है वो बस थोड़े ही दिनों में शुरू होने वाला है। तो मेरे दिव्य होम के दर्शकों के लिए इस बार हमने एक खास आयोजन किया है कि दीपावली के 5ों दिन क्या साधना करें, दीपावली के 5ों दिन की पूजा विधि क्या है, किन किन देवताओं की आराधना करने से हमें लाभ मिलता है, तथा दीपावली के 5ों दिन यानी कि धन त्रयोदशी से लेके भैया दूज तक के जो कुछ उपाय हैं वो हम एक के बाद एक 5 वीडियो में, अलग अलग 5 वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम दीपावली के पहले दिन धनु तेरस के वीडियो की चर्चा करें, मेरे कमेंट में मुझे जय माँ आदि शक्ति लिखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जरूर बताएं कि आपने इस धनुतेरस के दिन क्या खरीदारी की है। आइए शुरू करते हैं धनु त्रयोदशी के बारे में। धनु त्रयोदशी की शुरुआत यानी कि दीपावली उत्सव की शुरुआत के रूप में माने जाते हैं। इस दिन का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भीष्म पुराण आदि में दीपावली के जो पहला दिन है जिसे हम धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं, इस दिन का विशेष महत्व बताते हुए भगवान श्री व्यास लिखते हैं कि इसी दिन भगवान धन्वंतरि का अमृत कलश लेके समुद्र मंथन से उत्पन्न होना, इसी दिन माता लक्ष्मी ने कुबेर जी को देवताओं का धन रक्षक बनाया, इसी दिन भगवान श्री गणेश तथा माता लक्ष्मी और माता सरस्वती तीनों ने मिलके धन कुबेर को ब्रह्मांड की संपत्ति को संतुलित करने का आदेश निर्देश दिया। इसीलिए ये दिन का हमारे हिंदू सनातन धर्म में विशेष महत्व है। तो धन त्रयोदशी के दिन मुख्य पांच देवों की पूजा अनिवार्य है। माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गणेश लक्ष्मी जिसे हम बोलते हैं, वे गणेश लक्ष्मी की एक साथ पूजा, भगवान श्री धन्वंतरि तथा कुबेर जी की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन ये पूजा कैसे करें इस वीडियो में हम आगे बताते हैं। कई घरों में आज ही के दिन यानी कि धन त्रयोदशी के दिन ही यम पूजा भी की जाती है, लेकिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से यम पूजा या यम दीपक का जो दान है वे नरक चतुर्दशी के दिन किया जाना बेहतर रहता है। आइए जानते हैं धन त्रयोदशी की पूजा विधि। सबसे पहले तो सुबह दीपावली के 5ों दिन सुबह घर की महिलाएं सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर घर के मंदिर की साफ सफाई करें और सुबह ही लाल कपड़े में, एक चौकी पे लाल कपड़े बिछा के माता लक्ष्मी, श्री कुबेर जी, श्री धन्वंतरि भगवान, श्री गणेश, सरस्वती आदि की मूर्ति, फोटो या आपने इंटरनेट से उसका प्रिंटआउट लिया है तो उसकी पूरी विधि विधान से वहाँ पे उसकी स्थापना करें, उनकी पूजा करें। बाद में गोधूली बेला में यानी कि प्रदोष काल में इस 5ों देव की अच्छी तरह से पूरी विधि विधान से पूजा करें तथा माता लक्ष्मी को लाल, भगवान श्री कुबेर को सफ़ेद और श्री धन्वंतरि भगवान को पीली मिठाइयों का भोग लगाएं। धनु त्रयोदशी के दिन घर में जो नए नए पकवान बने हैं उसको बड़े थाल में सजा के बीच में माता के लिए पान का बीड़ा भी रखें और माता को ये सजा हुआ थाल भोग अर्पित करें। इसके उपरांत सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद 13 दियों का दीपदान करने का भी इसी दिन बहुत महत्व है। 13 दियों में 12 दिए जो 12 महीने के हैं और 1 दिया जो त्रयोदशी का है, इस तरह से 13 दियों का दीपदान करने से पूरे साल में सुख, सौभाग्य, धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति मिलती है। सो धनु त्रयोदशी के दिन दीपदान करना अत्यंत आवश्यक है।
इस बार ये धनु त्रयोदशी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और ऐन्द्र योग का के शुभ संयोग में आ रही है। आप सभी को पता है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जमीन जायदादें खरीदने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ ऐन्द्र योग जो भौतिक सुख सुविधा है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः 2024 की धन त्रयोदशी कुछ खास कुछ विशेष है। आइए जानते हैं पूजा विधि। जैसा मैंने बताया कि चौकी पर लाल वस्त्र बिठा के सभी देवी देवताओं की विधि विधान से स्थापना करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, उन्हें पुष्प आदि लगा के उसकी पूरे विधि विधान से भोग लगा के पूजा करें और कपूर और इलायची या फिर दो लौंग के जोड़े से माता लक्ष्मी की सभी की आरती करें, जिससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। इस दिन कहीं कहीं घरों में इसी दिन यम को दीपदान करने का रिवाज है, लेकिन यम का जो दीपदान है वे ज़्यादातर नरक चतुर्दशी के दिन हो तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस तरह से इस दिन की पूजा करने के बाद आइए मैं आपको बताती हूँ धनु त्रयोदशी के कुछ खास उपाय। सबसे पहले तो धनु त्रयोदशी के दिन 13 तरह के दियों का दीपदान घर के पास जो भी मंदिर है वहाँ अवश्य करें। घर के कोने कोने में दीप प्रज्वलित करें। घर के मुख्य पूजा स्थान में घी का और तेल का अखंड दिया लगा के पूजा करें। तो ये दिया जो है वो हमारे कर्मों का प्रतीक है, हमारे सुख सौभाग्य का भी प्रतीक है। तो इस दीपदान से आपको पूरे साल भर में सुख सौभाग्य धन वैभव और आरोग्य की प्राप्ति रहेगी। दूसरा उपाय है पवित्र पौधों का वृक्षारोपण करना। खास करके धनु त्रयोदशी के दिन केले का पौधा यदि घर के आंगन में या मंदिर में लगाने से जैसे जैसे उस केले के पौधे का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। ये उपरांत कोई भी पवित्र पौधा तुलसी बेलपत्ता बरगद पीपल आदि का वृक्षारोपण भी आप धन त्रयोदशी के दिन कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा उपाय है सप्त धान का दान। यदि इस दिन हम सप्त धान यानी कि 7 तरह के धान जिसमें गेहूँ बाजरा चावल जौ जुवार मूंग चना इन सातों अनाज के धान का दान करने से और वो जो ज़रूरतमंद है उससे करने से हमारे घर में धन धान्य वैभव समृद्धि बढ़ती है। तीसरा सबसे बड़ा उपाय है लौंग का जोड़ा और एक कपूर की आरती। इस दिन एक कपूर और लौंग का जोड़ा आप सौभाग्य पोटली बना के वहाँ पे रख सकते हैं और उसकी आरती भी कर सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा उपाय है कि धनु त्रयोदशी के दिन जो दीपावली त्यौहार की शुरुआत है घर के मुख्य द्वार पर बंधन बार लगाए, खास करके आसोपालों के पत्तों का बंधन बार और तोरण बना के लगाए, रंगोली सजा के माता लक्ष्मी को आमंत्रित करें, लक्ष्मी पाव माता लक्ष्मी का की प्रतिमा या उसका स्टिकर सुंदर रंगोली या कलश का स्टिकर आदि हम घर के मुख्य द्वार पर लगा के पूरे मुख्य द्वार को सजाएं और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करें। एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है खड़े नमक का। खड़े नमक जो है वो धन त्रयोदशी के दिन खरीदे और उसे किसी कांच के बर्तन में घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखने से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इसके उपरांत धनु त्रयोदशी के दिन यदि आप एक सौभाग्य पोटली बनाते हैं और उस सौभाग्य पोटली में मैं इस वीडियो में जो बता रही हूँ वो सारी चीज़ें रखें। सबसे पहले तो एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, 2 लौंग के जोड़े, 11 पीली कोड़िया और 11 चावल के दाने, ये सारे एक छोटे से लाल कपड़े में बांध के उसकी पोटली बना के आप पूजा स्थान में रखें, उसकी विधि विधान से पूजा करें। बाद में ये पोटली जो है वो आप भैया दूज तक 5वें दिन उसकी पूजा करके बाद में आप तिजोरी में रखें और 1 साल तक उसको तिजोरी में रखे रहने दें। नेक्स्ट दिवाली आते ही उसका पानी में विसर्जन करें और दूसरी नई पोटली बनाएं। इस तरह
तरह से ये हो गई सौभाग्य पोटली, जिस जो सौभाग्य में वृद्धि करती है, व्यापार में वृद्धि, घर में समृद्धि, घर के संतानों में अच्छी बुद्धि और आरोग्य की वृद्धि भी होती है। इस तरह से धन त्रयोदशी की यदि हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो हमारे घर में भी धन धान्य वैभव समृद्धि बढ़ती है। आइए मैं बताती हूँ धन त्रयोदशी के दिन करने वाले अचूक मंत्रों की। सबसे पहले तो श्री कुबेर जी का मंत्र है रीम कुबेराय नमः। इसका आप 108 बार जाप करें तो जिससे भगवान श्री कुबेर देवता हम पर प्रसन्न होते हैं। इसी तरह से भगवान श्री धन्वंतरि का मंत्र रीम ओम रीम धन्वंतराय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें, धन्वंतरि स्तोत्र बोलें और बाद में कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी के कोई भी मंत्र का जाप आप धन त्रयोदशी से लेके भैया दूज यानी कि ये 5 दिन कर सकते हैं। याद रहे जो मंत्र आपने पहले दिन लिया और उनकी संख्या जितनी आपने ली वही संख्या और वही मंत्र 5 दिन करना है। इसके उपरांत कनकधारा स्तोत्र जो भगवान श्री शंकराचार्य द्वारा लिखित है, वो कनकधारा स्तोत्र को श्री सूक्त की जो 15 ऋचाएं है वो बोलते हुए उस कनक श्री यंत्र पर उस ऋचाओं को बोलते हुए और बाद में श्री यंत्र को स्थापित करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें तो घर में स्थिर लक्ष्मी बनी रहेगी। इस तरह से धन त्रयोदशी के ये जो छोटे मोटे उपाय मैंने आपको बताइए, ये एकदम सिद्ध उपाय है, ये कोई तांत्रिक तोने तोटके नहीं है, ये सिद्ध उपाय हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं। ये उपाय करके इस तरह से पूजा विधि करके आप धन त्रयोदशी के दिन अपने घर के लिए सौभाग्य सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति के लिए माता को प्रार्थना कर सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ नरक चतुर्दशी के कुछ खास उपाय और उसकी पूजा विधि। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। नमस्कार, धन्यवाद।